करोड़ का भ्रष्टाचार कर गई शिवराज सरकार। शिवराज के भ्रष्टाचार का डैम फटा, जमकर हो रहा भ्रष्टाचार, यही तो है शिवराज सरकार। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में केवल टूटे डैम का महज पानी ही नहीं बह रहा है, बल्कि धार जिले के करीब 40,000 आबादी के सपने और मध्य प्रदेश की जनता की आशा और उम्मीद बह रही है। भ्रष्टाचार का आलम तो देखो, खुद निर्माणधीन डैम ही अपने बहते पानी से पानी पानी हो गया। बस नहीं आया जिसकी आंखों में पानी, तो वो है बीजेपी की शिवराज सरकार। कारम नदी के विस्थापित हुए करीब 40,000 लोगों के घर लौटने के सपने पर एक बार फिर पानी बह गया है। रविवार की शाम को करीब 5:30 बजे बांध अचानक टूट गया। जिस रास्ते को बनाकर पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे थे, वहां से पानी मिट्टी के बांध को अपने साथ बहा ले गया, जिससे जल प्रलय जैसे हालत देखने को मिले। राहत की बात यह थी कि डैम का वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका था, जिस कारण डैम का पानी गांवों तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन 100 करोड़ में बनी इस पाल पर पानी जरूर फिर गया। आज सुबह इस घटना के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार पहुंचे, जहां पीड़ितों और पत्रकारों से बात करते हुए बोले कि ये शिवराज के भ्रष्टाचार का डैम पटा है। आप करेंगे, देखिए आप जानते हैं सरकार तो बीजेपी की है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मुझे ये जो डैम फटा है, ये डैम नहीं फटा, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का डैम फटा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई गांवों में भ्रमण करके पीड़ितों के हालचाल जाना, तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात यह रही कि पीड़ितों के लिए अभी तक शिवराज सरकार ने किसी भी प्रकार के मुआवजे की व्यवस्था नहीं की, और तो और इन पीड़ितों के लिए अब तक सरकार ने रहने और खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की। पूरी खेती खत्म है, खेती गई, तो आगे भी खेती नहीं होती क्योंकि यहाँ तो सब पत्थर आ गए, जिनकी भर के लिए नहीं होगी, जिनकी भर के लिए नहीं होगी। आप भी देख लो ना, ये जो है सामने देखो, उससे महोदय की है, मेरे पास रहने के लिए जमीन भी नहीं है, और अभी भी मेरे बीबी बच्चे हुए नदी के बह कर मैं पड़े हुए। तो अभी कहाँ बसे हो? अभी वहीं पे, अब क्योंकि बारिश के कारण हुए, उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर, कोई व्यवस्था नहीं करी, फसल भी साफ हुई, मिट्टी भी बह गई है, पूरा पत्थर आ गया है। हाँ, ये तो दिख रहा है, पूरी मिट्टी बह गई, जितनी फसल गई, मिट्टी गई, घर गया। 500-300 जंगलों में रह रहे थे, प्लास्टिकों में रह रहे थे, पहाड़ी पे थे, पहाड़ी पे। और कोई आया? शासकीय अधिकारी आया? शासकीय अधिकारी अभी तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी कोई भी नहीं सर्वे हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। हम तो आपको मिलने आए हैं, आप आए हैं, कोई पास आ रहा है, हम करेंगे, देखिए आप जानते हैं सरकार तो बीजेपी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी कारम पर सिंचाई परियोजना के लिए करीब 304 करोड़ रुपए के डैम का काम चल रहा था, जिसका निर्माण पूरा होने से पहले ही ये डैम टूट गया, जिसमें करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। गनीमत यह रही कि समय रहते प्रभावित गांवों के लोगों से गांव खाली करा लिए, इसलिए कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, आप तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।